हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल से बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर कैप्चर करके किस तरह से वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कैम स्टूडियो। कैम स्टूडियो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। जस्ट आप अपने गूगल पे जाइए, कैम स्टूडियो लिखिए। आपने जैसे ही कैम स्टूडियो टाइप करके आंसर इंटर किया होगा, सॉरी, इंटर करने के बाद ये सब लिंक्स आएंगे। आप किसी भी लिंक को ओपन कीजिए। मैंने सबसे पहले सोर्स फोर्ज की लिंक को ओपन किया। ये इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ किस तरह से दिखता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है इसका इंटरफेस। यहाँ पर तीन बटन्स होते हैं। ये पहला बटन है रिकॉर्ड के लिए, दूसरा पाउज के लिए, तीसरा स्टॉप के लिए। ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ है दोस्तों। ये इसमें रीज़न वाली सेटिंग रहती है। इसमें आप जिस तरह का भी अपने हिसाब से आपको जैसा भी स्क्रीन कैप्चर करना है, जिस रीज़न का फिक्स रीज़न है या फिर कोई या विंडो है या फिर फुल स्क्रीन है। मैंने फुल स्क्रीन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये इसमें वीडियो ऑप्शंस होते हैं। ये सब इसे आप इस क्वालिटी को आप 100% कर दीजिए तो इससे आपका वीडियो एकदम अच्छा होता है। बाकी इसमें जो भी सेटिंग्स है, आपको कितने कैप्चर चाहिए, वीडियो फ्रेम्स में कितने मिली सेकेंड में चाहिए, कितनी की फ्रेम्स चाहिए, उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। ये सेकेंड ऑप्शन है, इसका कर्सर ऑप्शन है, जिस किस तरीके से आपको कर्सर यूज़ करना है। जैसे मारो, मैंने भी सिंपल यूज़ किया हुआ है। आप इसमें कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टम पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इजीली चेंज हो जाएगा। ये थर्ड सेटिंग है ऑडियो ऑप्शन। आप जिससे भी रिकॉर्ड करना चाहे, अपने माइक्रोफोन से, अपने स्पीकर से, आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी गेम का वीडियो बना रहे हैं तो आप उस गेम का जो साउंड होता है वो भी स्पीकर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसमें कुछ एडिशनल सेटिंग है। मेरे तो अभी ये सेटिंग्स कुछ यूज़ में नहीं आई है, पर आप कर सकते हैं। जैसे सेव ऑन एग्जिट हुआ, मिनिमाइज प्रोग्राम ऑन स्टार्ट, ये जो भी है प्ले करना हो अगर आपको फाइल डायरेक्टरी का सेव करवाना है, ये और कुछ सेटिंग्स है। ये फ्लैश फाइल अगर रिकॉर्ड करना है तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स है। बाकी ये एनोटेशन इफेक्ट वगैरह भी आप इससे डाल सकते हैं। ये इस इंटरफेस का व्यू है। आप अगर इसको करेंगे तो कॉम्पैक्ट के बटन व्यू ये सब हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैंने नॉर्मल व्यू रखा हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। इसे आप विद इन 2 मिनट्स इंस्टॉल होने में लगते हैं इसको, 2 से 3 मिनट्स, और डाउनलोड होने में आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है। आप इससे बस इसको इंस्टॉल करिए और आप इजीली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन कैप्चर करके जो भी आपको ट्यूटोरियल का वीडियो, गेम का वीडियो या जो भी अपना कुछ वीडियो डालना हो, इसे इजीली बना के आप इसको YouTube पर डाल सकते हैं या और किसी यूज़ में ले सकते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए और हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। मैं ऐसे ही आपके सामने जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बनाते रहूँगा। मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।